कोडरमा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए की ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोडरमा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोडरमा थाना में 22 अप्रैल 12 जून 27 जून एवं तिलैया थाना में 1 अप्रैल को दर्ज एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करते हुए रुपए की अवैध निकासी करने के मामले का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 28 जून को तिलैया थाना के समीप स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम के समीप से बेलेनो कार संख्या OD23K4621 में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें बिहार के गया जिला अंतर्गत वजीरगंज थाना क्षेत्र निवासी मिराज आलम उर्फ मिराज खान उम्र 27 वर्ष, पिता मोहम्मद सरफराज, पंकज कुमार उम्र 32 वर्ष, पिता मधुसूदन प्रसाद, अनुज कुमार उम्र 24 वर्ष, पिता धर्मेंद्र प्रसाद एवं शहबाज खान उम्र 25 वर्ष, पिता कलीम खान शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 55 एटीएम कार्ड, 2,11,000 रुपये नकद, 1 एटीएम स्वैप मशीन एवं 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने उपरोक्त घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अभियुक्तों के द्वारा मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा जिले के विभिन्न एटीएम में रेकी के दौरान एटीएम कार्ड में पैसा निकालने पहुंचे लोगों को सहायता करने का झांसा देकर या प्रोसेस पूरा नहीं होने की बात बोलकर उन्हें झांसे में लेकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम कार्ड से अवैध निकासी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और स्वाइप मशीन के माध्यम से दूसरे खाते में पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बिहार पुलिस के द्वारा इन्हें पूर्व में जेल भी भेजा गया है। प्रेस वार्ता के बाद कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। कोडरमा थाना एवं तिलैया थाना में साइबर अपराधियों के द्वारा एटीएम में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करके एटीएम बदल दिया जाता था और उसका किसी तरह पिन जान करके थे। बाद में उस एटीएम का इस्तेमाल अवैध निकासी में किया जाता था, साथ ही साथ उससे वे लोग ऑनलाइन परचेजिंग भी करते थे। इस तरह कोडरमा थाना में 3 कांड दर्ज हुए हैं विगत 2 माह में। तिलैया थाने में 1 कांड दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक कोडरमा के द्वारा पुलिस और थाना प्रभारी कोडरमा के नेतृत्व में एक टास्क टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल को भी शामिल किया गया। अनुसंधान के क्रम में टीम के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ करने के क्रम में वे लोग अपना अपराध स्वीकार किए और उन लोगों के पास से नकद 2,11,000 रुपया, 1 स्वीप मशीन, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 बलेनो कार और 55 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। खास करके छोटे बच्चे और महिला को ज़्यादा चुनते थे, एटीएम में जाते थे और रेकी करते थे, देखते कि कहाँ हम जो है सफल होंगे और उनको ऐसा लगता था कि हम सफल हो जाएंगे तो एटीएम में जाते थे और कोई ना कोई बहाना बना करके एटीएम वाले को जो है बोलते थे कि आपका प्रोसेस बाकी है, चाहे आपने ठीक से नहीं किया, ऑफ किया है, तो उससे वो पुनः जो है वो काम करवाते थे और इसी बीच उसका जो है वो पिन नोट कर लेते थे। इनके जो साथ रहते थे वो लोग भी उसमें मदद करते थे और ये लोग करते क्या थे कि अपने साथ बंच में रखते थे एटीएम कार्ड और जिस कलर का आदमी रखता था एटीएम उसी कलर का वो लेके जाते थे और मौका मिलते उसको बदल देते थे। मौका मिला है जो बिहार थाना से जेल भेजा गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।